हाल फिलहाल में ही भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं जिनका पालन राशन कार्ड धारकों को करना आवश्यक है, वरना उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको भी नए नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा यदि आपके पास पहले से ही राशन कार्ड उपलब्ध है, तो आपको भी आर्टिकल में बताई जाने वाली जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़नी होगी, क्योंकि यह आपके लिए उपयोग साबित हो सकती है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आप सभी को सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही राशन कार्ड से संबंधित जारी किए गए नए नियम अर्थात निर्देशों के बारे में जानकारी बताएंगे, जिसको जानना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है, और इन सभी की जानकारी के लिए आप आर्टिकल को पूरा पढ़ें। राशन कार्ड न्यू रूल्स। राशन कार्ड को लेकर भारत सरकार के द्वारा नए नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे भी नागरिक मौजूद हैं जिन्हें राशन कार्ड का लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु वे राशन कार्ड हेतु पात्र नहीं हैं, यानी कि जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं उन पर रोक लगा सके। राशन कार्ड से संबंधित नए नियम की बात की जाए तो सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक जमीन, घर या कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको आवेदन पूरा करना आवश्यक है। राशन कार्ड संबंधित निर्देश। राशन कार्ड से संबंधित एक और निर्देश दिया गया है कि यदि कोई भी नागरिक राशन कार्ड का आवेदन करता है और उसके पास में चार पहिया वाहन जैसे ट्रैक्टर एवं कार उपस्थित है, तो इस स्थिति में वह नागरिक राशन कार्ड से संबंधित पात्रता की श्रेणी के बाहर होगा और उसका राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड केवल गरीब नागरिकों के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें। यहां हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण शर्तें बता रहे हैं जिसका पालन करने के बाद ही कोई नागरिक राशन कार्ड हेतु आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। आपको बताते चले, किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं जो समय समय पर कर भुगतान करते हैं, उनके लिए राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, एवं लाइसेंसधारी हथियार रखने वाले व्यक्ति को भी राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होगा। फर्जी राशन कार्ड का दुष्परिणाम। जिन नागरिकों को फर्जी तरीके से राशन कार्ड का लाभ प्राप्त हो रहा है या फिर उन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाया है, सरकार की ओर से ऐसी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यदि आपका राशन भी फर्जी तरीके से बना हुआ है तो आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप भी इस कड़ी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर लिखित रूप में समर्पण करना होगा, यानी कि सरेंडर करना होगा, और सरेंडर करने के बाद ही आप सरकार के द्वारा की जाने वाली कड़ी कार्रवाई से बच सकते हैं। राशन कार्ड हेतु आवश्यक प्रक्रिया। वे सभी राशन कार्ड धारा के जिन्हें लगातार राशन कार्ड का लाभ समय समय पर प्राप्त हो रहा है, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और इस जानकारी में बताया जा रहा है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना आवश्यक हो गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, तो आप भी इससे संबंधित ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें, जिससे धोखाधड़ी एवं कालाबाजारी जैसी घटनाओं से बचा जा सके, और यदि आप ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं, तो आपको राशन कार्ड का लाभ प्राप्त होना बंद हो सकता है। राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कैसे करें? राशन कार्ड ई-केवाईसी हेतु आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऑफिशियल पोर्टल को ओपन करें और इसके होम पेज में जाएं। अब आपको होम पेज में ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक कर दें। इसके पश्चात आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अब आप अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें एवं अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
इसके पश्चात आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी राशन कार्ड ईकेवाईसी पूरी हो जाएगी। ईकेवाईसी पूरे होने के बाद में आपको राशन कार्ड संबंधित लाभ मिलना प्रारंभ रहेंगे। FAQs, राशन कार्ड धारकों को लाभ लेने हेतु आवश्यक प्रक्रिया क्या है? सभी राशन कार्ड धारकों को संबंधित ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। राशन कार्ड किस अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं? राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं। राशन कार्ड संबंधित नए नियम क्यों बनाए गए हैं? कालाबाजारी को रोकने के लिए राशन कार्ड के नए नियम बनाए गए हैं।